ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने शानदार जीत दर्ज की है। रानी अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को हराया है। जीतने के बाद रानी अग्रवाल ने इसे जनता की जीत बताया। साथ ही साथ रानी अग्रवाल ने जनता को भरोसा दिया कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ये मैं श्रेय जनता को देना चाहूँगी कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये हुआ है, इतने अंतराल के जो हुआ है, क्योंकि उनका था कि एक बदलाव हो, काम हो, और बिल्कुल जनता ने एक भरोसा दिखाया है। इसलिए मैं पूरा श्रेय जनता को दूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वे मेरे लिए एक भगवान है और भगवान के सरकार करें। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गई थी और सफलता हासिल? बिल्कुल, जैसा कि घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि 25 मुद्दों पे बात हुई है, लिखा गया है, उसी के आधार पर अपने सिंगरौली जिले में काम होगा और भी जो नगर निगम के अंतर्गत काम होंगे उसी के आधार पर काम होगा। क्या तीन प्रमुख काम क्या होंगे जीत के बाद? अभी जो सबसे पहले तो सिंगरौली में जो भ्रष्टाचार है इतना, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। दूसरा, जो अपने जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक लाभ पहुंचाया जाएगा। तीसरा, जो भी होगा काम, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, नाली का, पानी की, जो भी जनता की सुविधाएं होंगी जनता तक पहुंचाई जाएंगी। इस बार का जो चुनाव था तो सत्ता दबाव में थी, सत्ता के दबाव में यहाँ प्रशासन काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शासन प्रशासन किसी का दबाव नहीं था। बिल्कुल शासन प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मीडिया कर्मियों को भी सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, सबका साथ था और सबने बहुत ही अच्छे प्रक्रिया से ये चुनाव कराया और वोटिंग कराई। अभी तक कितने पार्षद आपकी पार्टी के यहाँ पे जीते? 7 पार्षद आए। आपको बता दें कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की ये जीत अप्रत्याशित थी, क्योंकि इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे के दौरान से अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। यहाँ के ब्राह्मण वोटर बीजेपी से काफी नाराज थे। इस शहर में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी के लिए ब्राह्मणों की नाराजगी वैश्य समाज की नाराजगी पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि रानी अग्रवाल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंगरौली से चुनाव भी लड़ चुकी है और 32,167 वोट उन्होंने हासिल किए थे। रानी 2014 में बरगवा से बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य थी। इसके पहले बरगवा ग्राम पंचायत से 2009 सरपंच भी थी। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर सबको चौंका दिया। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंगरौली में पार्टी चंद लोगों की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा था कि उनकी चार पीढ़ियों ने बीजेपी की सेवा की है, लेकिन उन्हें पार्टी से कोई बड़ी जवाबदारी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। फिलहाल रानी अग्रवाल ने अपने बलबूते से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री करा दी है। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।